हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का एक आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस लॉ। ठीक है, तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज़, बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट कंप्लेंट कर रहे थे कि सर काफ़ी हार्ड है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज मैं आपको कई सारे ऐसे सिलेबस भी दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो आप समझ जाओगे। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ लेना, मैं हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, पहला है संक्षिप्त में कारण बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सही है गलत है। निरर्थक अनुबंध और रद्द किया अनुबंध एक है एवं समानार्थक है। एक विचार के लिए अजनबी, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं स्लो स्लो चला रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर मैं शेयर करवा दूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, देख लीजिए। वैसे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कम है, इंग्लिश मीडियम के इसमें ज़्यादा स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप बिजनेस लॉ आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बिक्री अधिनियम, माल शब्द परिभाषित करें। इस चैप्टर का जो सार निकल के आता है वो है बिजनेस के कानून, मतलब बिजनेस के लॉ। ठीक है, कि किन किन कानूनों को इसमें पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हो। बिक्री को परिभाषित करें और बिक्री और बेचने के समझौते, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, देख लीजिए। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, निजी और सार्वजनिक कुंजी, ग्राहक शब्द को परिभाषित करें, अधिकारियों को प्रमाणित करने की शक्तियाँ, डिजिटल हस्ताक्षर की व्याख्या करें, साइबर आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलते हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर और दिखाता हूँ जो सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है। 2019 में एग्ज़ाम जब लास्ट टाइम हुए थे उसमें पूछा गया था सेकंड सेमेस्टर बिजनेस लॉ, और जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में है। ठीक है, तो आपको मैनेज करना होगा, जैसा हमें मिला वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो इसका क्वेश्चन पेपर काफ़ी कम अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको सब इन्हें नोट कर लेना है, इनको सर्च करना है गूगल पे, अगर हिंदी में पढ़ा जाओ हिंदी में पढ़ सकते हो। पहले आप देख लीजिए बिटवीन सेल एंड हायर परचेज, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ कैलकुलेशन, फिर डिफाइन फैक्ट्री पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको स्लो करके दिखा रहा हूँ। सेक्शन बी हो गया, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, इस टाइप के देख लीजिए आप। सेक्शन सी है, मेरा काम है आपको क्वेश्चन दिखाना किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये भी क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए।